हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 16, मॉडल वर्ब्स, फुली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 16, मॉडल वर्ब्स। स्टडी द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला सेंटेंस है, मे आई कम इन सर? Can you solve this sum? You should obey your elders. I could lift this box when I was young. We have to submit our notebooks by tomorrow. Here, the words may, can, should, could and have to are modal verbs. These are generally used to talk about ability, permission, obligation, necessity, etc. तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसमें आप कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि मे, कैन, शुड, कुड, हैव टू। ये सब वर्ड्स जो है ये मॉडल वर्ब्स है, और ये ज्यादातर उस समय यूज होता है जब हम लोग किसी चीज के एबिलिटी के बारे में, परमिशन लेने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं, तब ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल में आते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे हम लोग परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। Can you solve this sum? तो यहाँ पे हम एक पर्सन की एबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। यहाँ पे ऑब्लिगेशंस हो रहे हैं, जैसे कि तुम्हें एल्डर्स को ओबे करना चाहिए। यहाँ हम लोग ऑब्लिगेट कर रहे हैं कि तुम्हें एल्डर्स की बात हमेशा माननी चाहिए। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। हम ये बॉक्स उठा सकते थे जब हम यंग थे। वी हैव टू सबमिट आवर नोटबुक्स बाय टुमारो। हमें कल तक अपना नोटबुक्स को किसी भी हालत में सबमिट कर देना है। तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल, ये नेसेसिटी का एग्जाम्पल है कि जरूरी है ये चीज करना, कल तक हमें नोटबुक सबमिट करना जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी भी चीज के एबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, नेसेसिटी के बारे में और भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तब वहां पे मॉडल वर्ब्स यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ मॉडल्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और कुछ एग्जांपल्स। पहला मॉडल वर्ब है मे। मे जो है ये दो चीजों के लिए यूज होता है, पहला है परमिशन और दूसरा है पॉसिबिलिटी। परमिशन का एग्जांपल है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग परमिशन ले रहे हैं। दूसरा है पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टूडे, आज शायद बारिश हो सकता है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि शायद आज बारिश होगा। तो मे जो है वो दो चीजों में यूज होता है, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा मॉडल वर्ब है कैन। ये जो है ये तीन चीजों के लिए यूज होता है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला एग्जाम्पल जो है ये एबिलिटी के बारे में कि हाँ मैं ये क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मैं इसे आंसर कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा है पॉसिबिलिटी, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये सच नहीं हो सकता है। परमिशन, हम लोग परमिशन जब लेते हैं, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है कि तुम अब जा सकते हो। तो कैन जो है वो तीन चीजों के लिए यूज होता है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और फिर परमिशन। नेक्स्ट है कुड। कुड जो है ये दो चीज के लिए यूज होता है, पहला है एबिलिटी जो कि पास्ट में बात किया जाता है, और दूसरा है रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट प्ले वेल इन दिस मैच, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, आई कुड नॉट प्ले वेल इन दिस मैच, यानी कि ये जो मैच हुआ था उसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो आदमी है वो अपना एबिलिटी को पास्ट में बता रहा है कि जब मैच हुआ था उसमें मैं अच्छे से नहीं खेल पाया, तो यहाँ क्या हो गया, पास्ट फॉर्म में बात हो रही है। दूसरा है रिक्वेस्ट, कुड यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी, क्या आप मुझे लाइब्रेरी जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पे लोग रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं कि क्या आप मुझे लाइब्रेरी जाने का रास्ता बता सकते हैं। नेक्स्ट है शुड। शुड जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि हम लोग पहला स्लाइड में जब हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे तो क्या लिखा था, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तो शुड जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है कि हाँ तुम्हें एल्डर्स की बात माननी चाहिए। वी शुड ओबे द लॉज, हमें लॉज या फिर कानून को मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए, तो ये ऑब्लिगेशन है कि हमें वो करना ही चाहिए। फिर है हैव टू। हैव टू जो है ये कंपल्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव टू रिटर्न बाय इवनिंग, उन्हें किसी भी हालत में शाम तक लौट जाना है। तो हैव टू जो है उन्हें वो करना होगा। तो हैव टू कहाँ यूज होता है, जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं कि उसे वो करना होगा, उसे शाम तक लौटना ही होगा। तो कंपल्शन जो है इसमें हैव टू लगाया जाता है, तब हम लोग कंपल्शन को समझ पाते हैं।
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन मॉडल वर्ब्स का। और अगर आपको इसी तरह किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।